नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के जो वर्तमान के वार्ड सदस्य हैं वो अपने अधिकार और प्रभार के लिए लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं। विधानसभा सत्र चल रहा था और विधानसभा सत्र में वार्ड सदस्यों को यह उम्मीद था कि वार्ड सदस्यों के लिए विधानसभा में जिस प्रकार से आवाज उठाया गया उस प्रकार से उन लोगों के पक्ष में कुछ न कुछ होने वाला है। और इसको लेकर 22 नवंबर को कुछ सकारात्मक खबर मिलने वाली थी, लेकिन वार्ड सदस्यों को लेकर 22 तारीख को भी कुछ आश्वासन नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर वार्ड सदस्यों में एक बार फिर से निराशा देखने को मिल रही है। वार्ड सदस्यों के लेकर बात करें तो जिस प्रकार से 7 निश्चय योजना के अंतर्गत काम करने का अवसर मिलना चाहिए, उस प्रकार से अभी तक वार्ड सदस्यों को किसी प्रकार का कोई काम नहीं दिया गया है। स्वच्छता अभियान पर तेजी से काम किया जा रहा है। वार्ड सदस्यों को लेकर चैनल के माध्यम से बार बार अपडेट देने का प्रयास करता हूं, लेकिन इस बीच में वार्ड सदस्यों को लेकर कोई अपडेट नहीं आया, जिसको लेकर चैनल के माध्यम से आप सभी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और जिस प्रकार से वार्ड सदस्य अपने अधिकार प्रभार के लिए लगातार मांग करते आ रहे हैं, उस हिसाब से अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा था इसमें उन लोगों के प्रति कोई सकारात्मक खबर नहीं आई है। तो बहुत सारे वार्ड सदस्य अब बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनका विरोध करेंगे। अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिला तो आगामी लोकसभा चुनाव में जोरदार विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं इससे सरकार को भारी झटका लग सकता है। तो अभी फिलहाल वार्ड सदस्यों की बात करें तो वार्ड सदस्यों को लेके अभी कोई सकारात्मक जानकारी नहीं आ पाई है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी कोई अपडेट नहीं दिया गया। और इस बीच पंचायती राज विभाग के द्वारा जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, बिहार के जितने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उन लोगों को जिस प्रकार से पहले अधिकार दिया गया था वो अधिकार फिर से उन लोगों को वापस दिलाने की जो बात की जा रही थी वो अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वार्ड सदस्यों को 7 निश्चय योजना पर काम करने का अवसर मिलेगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया है। और जिस प्रकार से पहले प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अधिकार मिला था तो उस अधिकार में कटौती किया गया और वह पंचायती राज पदाधिकारियों को दे दिया गया था, लेकिन इधर अब फिर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वह पावर दे दिया गया है, वह अधिकार दे दिया गया है। तो जिस प्रकार से 7 निश्चय योजना पार्ट 1 के अंतर्गत वार्ड सदस्यों को काम मिला था, हो सकता है इस बार भी अब वार्ड सदस्यों को 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत कहीं ना कहीं काम मिलने वाला। तो अभी फिलहाल वर्तमान के जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो सब इस ताक में लगे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षी योजना है उसमें काम करने का अवसर मिलेगा। और जिस प्रकार से वार्ड सदस्य अभी वर्तमान में प्रतिनिधि बनकर वार्ड में कार्यरत है और उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर वार्ड के लोगों के द्वारा कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा है, तो अगर सरकार उन लोगों को अभी से भी अगर काम दे देती है तो वार्ड के लोगों में कहीं ना कहीं वार्ड सदस्यों का मान सम्मान बढ़ सकता है, वार्ड सदस्यों के प्रति फिर से लोगों में एक उत्साह आ सकता है। तो अभी वार्ड के जितने भी लोग हैं वो यही सोचते हैं कि वार्ड सदस्य जीत तो गया है लेकिन कोई काम नहीं करा रहा है। जो जानते हैं कि अभी तक वार्ड सदस्यों को अधिकार प्रभार नहीं मिला है वो तो समझ सकते हैं, लेकिन गांव में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो इन सब जानकारियों से वंचित रहते हैं और उनके जुबान पे एक ही बात आता है कि वार्ड सदस्यों को वोट दिए तो वो काम नहीं करा रहा है। तो इस तरह से वार्ड सदस्यों की तौहीनी हो रही है, वार्ड सदस्यों की शिकायत हो रही है और इसको लेकर वार्ड सदस्य सरकार के प्रति विरोध भी कर रहे हैं, सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि उनको अधिकार प्रभार दिया जाए ताकि वो फिर से अपने कार्यों में कार्यरत हो, उनको योजनाओं पर काम करने का अवसर दिया जाए ताकि वो फिर से अपने वार्ड का विकास कर सके। तो इस तरह से अभी वार्ड सदस्यों को लेकर कोई सकारात्मक खबर नहीं आई है। हालांकि वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हमेशा अपडेट दिया जाता है, लेकिन इस बीच उनके द्वारा भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। कारण यह है कि वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी एक दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उनकी एक्सीडेंट हो चुकी है और उसकी वजह से उनके पैर में चोट आई है, जिसको लेकर वो अभी इलाज के दौरान रेस्ट में है। तो इसको लेकर गणेश चौधरी के द्वारा भी बहुत प्रयास किया गया कि वार्ड सदस्यों का अधिकार प्रभार दिया जाए ताकि पंचायत का विकास हो सके, वार्ड का विकास हो सके, लेकिन गणेश चौधरी के द्वारा जो प्रयास किया गया उन प्रयासों को भी सरकार के द्वारा नकारा गया है। कहीं ना कहीं जब तक वार्ड सदस्यों का अधिकार प्रभार नहीं मिलता है तब तक उनका जो प्रयास है वो सफल नहीं होगा। तो वार्ड सदस्यों को लेके आगे की जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। बाकी बने रहे हमारे इस चैनल पे और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।